नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरसीबी टीम से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी के बारे में, जहां पर दोस्तों आईपीएल 2021 के बाकी बचे हुए मैचेस के लिए आरसीबी टीम में एक नए खतरनाक खिलाड़ी की एंट्री होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, तो कौन सा ये खिलाड़ी और कैसे एंट्री होगी इस खिलाड़ी की, किसको रिप्लेस करने वाला है ये खिलाड़ी, यही सारी बातचीत आगे हम डिटेल में करने वाले हैं इस वीडियो में। तो भाई, अगर आप भी आरसीबी टीम के फैन हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। मुझे दोस्तों हमारे चैनल पर नए हो तो इसे याद से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि ऐसे ही डेली अपडेट्स आप तक हमेशा पहुंचते रहे। वहीं दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली आरसीबी को यदि ज्वाइन नहीं किए हो तो उसे भी याद से ज्वाइन कर लीजिए, वहां भी आपको आरसीबी टीम से जुड़ी हर एक अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो भाइयों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आरसीबी टीम जो है आईपीएल 2021 फेज टू की शुरुआत जो है 20 सितंबर से करने वाली है, जहां पर इनका मुकाबला केकेआर के खिलाफ होने वाला है। 20 सितंबर को आरसीबी बनाम केकेआर का मैच है, और दोस्तों 19 सितंबर को मुंबई और चेन्नई के बीच में पहले मुकाबले से आईपीएल 2021 के फेज टू की शुरुआत हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों दूसरे मुकाबले में आरसीबी टीम जो है एक्शन में नजर आएगी। तो भाइयों, सभी टीमों ने तैयारी करना चालू कर दिया है। चेन्नई और मुंबई की टीमें यूएई पहुंच चुकी हैं, वहां पर वो ट्रेनिंग कैंप का आयोजन भी कर रही हैं, जहां पर उनके सभी खिलाड़ी जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं और लगातार प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों आरसीबी टीम भी एक ऐसी टीम होने वाली है जो कि 20 अगस्त के बाद शायद से यूएई पहुंच जाएगी, वहां पर अपने ट्रेनिंग कैंप का आयोजन करेंगे, जिसमें उनके सभी खिलाड़ी प्रैक्टिस करते हुए नजर आएंगे आईपीएल 2021 के फेज टू के शुरू होने के पहले। अब दोस्तों एक बड़ी खुशखबरी ये आ रही है आईपीएल 2021 से कि आरसीबी टीम में यहां पर यूएई के लिए जोशुआ फिलिपे जो है अवेलेबल रह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 2021 के अप्रैल महीने में जब आईपीएल चालू होने वाला था, यानी कि जब आईपीएल शुरू हो गया था, तो उससे पहले कोविड-19 के चलते पर्सनल रीजंस की वजह से जोशुआ फिलिपे ने आईपीएल 2021 से बाहर रहने का फैसला लिया था, जिनके रिप्लेसमेंट के तौर पर आरसीबी टीम ने फिन एलन को साइन किया था। मगर दोस्तों अब जो है यूएई के लिए शायद से जोशुआ फिलिपे अवेलेबल रहने वाले हैं, और फिन एलन हमें खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे, यानी कि दोस्तों फिलिपे की वापसी हो जाएगी और वो हमें खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं, यूए के लिए वो अवेलेबल रह सकते हैं। फिलहाल रिपोर्ट्स तो ऐसी ही आ रही हैं, हालांकि दोस्तों आने वाले टाइम में क्या पॉसिबल चेंजेस होते हैं ये देखना भी दिलचस्प होने वाला है। लेकिन दोस्तों फिलहाल खुशखबरी यही है कि जोशुआ फिलिपे जो है आरसीबी टीम के स्क्वाड से यूए के लिए ज्वाइन होने वाले हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी रहेगी आरसीबी टीम के लिए, जहां पर वो ओपनिंग कर सकते हैं, अच्छे खासे हिट्स लगा सकते हैं ओपनिंग करते हुए, और आरसीबी टीम को यदि उन्हें मौका मिलता है तो वो अच्छी शुरुआत दिला सकते हैं। तो दोस्तों फिलिपे जो है आरसीबी टीम से ज्वाइन हो सकते हैं यूएई के लिए। ये तो थी पहले खुशखबरी। बात करें दूसरी खुशखबरी की, तो भाइयों दूसरी खुशखबरी ये है कि आरसीबी टीम के सभी फॉरेनर खिलाड़ी यानी कि ओवरसीज प्लेयर्स जो है पूरी तरह से यूएई के लिए अवेलेबल रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, चाहे वो एबी डिविलियर्स क्यों ना हो, मैक्सवेल, काइल जेमिसन, डेनियल क्रिश्चियन, केन रिचर्डसन, डेनियल सैम्स, एडम जैम्पा और जोश फिलिपे, रिपोर्ट्स ऐसी आ रही कि फिन एलन को छोड़ करके दोस्तों सभी खिलाड़ी जो है पूरी तरह से अवेलेबल रहेंगे और हमें स्क्वाड के साथ ज्वाइन होते हुए दिखाई देंगे। अब देखना ये होगा कि दोस्तों क्या चेंजेस होते हैं आने वाले टाइम में, कौन से खिलाड़ी अपने आप को बाहर रखते हैं, कौन से खिलाड़ी हो सकते हैं रिप्लेसमेंट, इसके अलावा दोस्तों कौन से खिलाड़ी हमें पूरी तरह से स्क्वाड में नजर आते हैं, ये सारे चेंजेस जो हमें आने वाले कुछ ही टाइम में पता चल जाएंगे। लेकिन दोस्तों फिलहाल रिपोर्ट यही आ रही है कि आरसीबी टीम के सभी ओवरसीज प्लेयर्स जो है पूरी तरह से जो पहले थे वो अवेलेबल रहने वाले हैं। अभी के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।